हेलो, आज हम जा रहे हैं सरप्राइज देने के लिए। हेलो गाइस, हम कहाँ जा रहे हैं? नानी के यहाँ। आरिस कहाँ जा रहे हैं बता दो, कहाँ जा रहे हैं? नानी के यहाँ। कहाँ जा रहे हैं? नानी के यहाँ। नानी के क्यों जा रहे हैं? नानी के केक खाने। नानो क्या बोलेगा? इधर देख के बोल, इधर क्या बोलेगा नानो को? क्या बोलेगा नानो को? उधर देख के बोलो बोलो। आरिश कहाँ गए? सो के आए। हाँ, सो के आए। कहाँ गए? पहले कपड़े पहन के बैठ गए। एक बार हम आ गए सरप्राइज देने घर पे। वाह, गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। खबर तो हमें जरूर मिल गई थी। अच्छा, पूछने वाले होंगे। काकू देखो नानी, काय नानी। और सरप्राइज जो हमने दिया था वो इनको पहले ही पता चल गया था। एक्चुअली अंदाजा लगा रहे थे कि शायद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मम्मी जी ने बता दिया कि निकल गए हैं हम लोग तो। लेकिन फिर भी इनको विश्वास नहीं था, तो हमारा सरप्राइज सरप्राइज ही रहा। और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं नाना नानी के पास आके, उनको अलग ही एक अटैचमेंट रहता है। और मम्मी पापा भी बहुत खुश हो गए थे हमें देख के एकदम से। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरे मन में जो मैं शादी के बाद से सोच रही थी कि एक बार मैं इनको लेकर जाऊंगी दादा देव मंदिर में, क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा शादी से पहले बहुत ज़्यादा आस्था थी और अभी भी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आना, और मुझे इच्छा थी कि एक बार हस्बैंड को ज़रूर लेके आऊँगी। तो आज देखो ना, पूरी हो गई मेरी इच्छा कि जो दिल से चाहो ना वो भगवान मिला ही देता है। या कहो ऊपर वाला आपको किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल ही जाती है। तो दरअसल हुआ ये था कि हम गए थे केक लेने के लिए और केक हमें आसपास मिला नहीं, तो हम पहुँचते पहुँच गए दादा देव मंदिर के पास। तो मंदिर के दर्शन देखते ही बाहर से मैंने सोचा कि अब आए हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, तो लेके चलते हैं मंदिर में और इसी बहाने दर्शन हो जाए। हम दर्शन करने के बाद और केक लेके पहुंच गए थे वापस से घर। Thank you.
दीदी कह रहे हैं लड़की पागल है, बड़ी खुश हो रही है। हम घर जा रहे हैं। आरिश कहाँ जा रहे हैं? चिप्स खाना आरिश?